नमस्कार, मैं दिव्या, आप सभी का लोकवाणी पर स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। अजमेर रेंज के नए आईजी एस संखाथीर ने कहा कि भिलवाड़ा जिले में बजरी माफिया पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही थानों में देरी से प्रकरण दर्ज करने पर भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संखाथीर आज भिलवाड़ा में एक दिवसीय दौरे के तहत आए थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में आला अधिकारियों के साथ बैठक भी ली, जिसमें पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, एएसपी चंचल शर्मा और सीओ सिटी भवर रणधीर सिंह सहित जिले भर के थाना अधिकारी मौजूद रहे। आईजी संखाथीर ने कहा कि आज यहां पर भिलवाड़ा में कानून व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए आए हैं। भिलवाड़ा सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील है और इससे में क्या कार्य हो रहे हैं उनकी चर्चाएं यहाँ पर की गयी। टीम वर्क पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने कहा, पुलिस कर्मियों का टीम वर्क अच्छा हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पहली बार जिले में मैं नहीं रहा हूँ, आसपास अजमेर, राजसमंद, टांग तीनों जिले में रहा हूँ, इधर सीमा जिलों में, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया है। जिले में टाइम के सीधा नहीं रहा और एकदम शुरुआती जानकारी लेने के लिए सभी ऑफिसर, एसएचओ और एसएचओ से वरिष्ठ आदि जितना भी सी वर्ष सबसे उन पर मुलाकात है, उनसे बेसिक जानकारी लेने के लिए आया हूँ। और साथ साथ आप लोग सब जानते हैं भीलवाड़ा सांप्रदायिक दृष्टि बहुत संवेदनशील है, उस बात पे पुलिस का फोकस हमेशा रहता, उसमें बेहतर रिस्पांस टाइम और इसका जो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता उस पर चर्चा करेंगे। और शायद कुछ टाइम से ये बजरी रिलेटेड शिकायतें ज़्यादा रहती, उस पर भी बेहतर काम करने के लिए एसपी साहब से विचार कर कार्ययोजना बना के काम करेंगे। सर, रेस्पॉन्स टाइम की जो आप बात कर रहे हैं, एक रिसेंटली एक मामला हुआ कि एक महीने बाद चोरी का केस अगर थाने में दर्ज होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाया जा सकेगा? सर, तो गलत है, ऐसा गलत हुआ या किसी की ढिलाई रही या जानबूझ देरी किया गया, उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। कोशिश ये रहेगी बेस्ट से बेस्ट रेस्पॉन्स, कम से कम टाइम में पुलिस पहुंचे या एफआईआर दर्ज करें और तुरंत उसमें खुलासा करने की कोशिश। सर, पिछले 6 महीने का एक ट्रेंड रहा है अजमेर रेंज का कि थानेदार लगातार सस्पेंड में सस्पेंड किए जा रहे हैं, बदरी का इश्यू हो या डोडा चूरा तस्करी का हो, तो ऐसे तो सर डोडा चूरा पकड़ने से कतराने लगे हैं कि मैं पकड़ूंगा तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो सर उसमें आपका क्या कहना है? आप इसके बारे में पूरा डिटेल मेरे पास नहीं है, मेरी तरफ से सही कार्रवाई करने की बेहतर प्रयास करूंगा और साथ ही टीम वर्क होना, टीम के बिना कोई काम नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट में टीम वर्क बेटर होना चाहिए, उसके लिए कोशिश करेंगे, सभी को साथ लेके अच्छा काम करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण को लेकर दूसरे चरण में भिलवाड़ा शहर के निजी हॉस्पिटल सहित जिले के 3 स्थानों पर ड्राई रन किया गया, जिसमें ड्राई रन के लिए 25-25 नर्सिंग कर्मियों का चयन किया गया है। निजी चिकित्सालय रामस्नेही में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गोस्वामी ने कहा कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण को लेकर व्यवस्थाओं को परखने के लिए जिले के 3 स्थानों पर ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें शहर के निजी के साथ ही सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसिन पर ड्राई रन किया जा रहा है। इसके साथ ही टीकाकरण को लेकर आमजन को जागरूक करने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। आज हमने संपूर्ण जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन आयोजित किया है। ड्राई रन के माध्यम से हम हमारी व्यवस्थाओं को परख रहे हैं, जहां आवश्यक सुधार की जरूरत है उसको भी हम नोट कर रहे हैं, ताकि आगे जो हमारी प्रभावी रणनीति है टीकाकरण को लेकर वो इम्प्लीमेंट में आए।
आज संपूर्ण देश में टीकाकरण कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इसके तहत भीलवाड़ा जिले में 3 जगह हमने स्थान चिन्हित किए हैं। इसमें शहर के अंदर निजी हॉस्पिटल को भी इसमें लिया है ड्राई रन में, साथ ही साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा और हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसिंद, इसको हमने सम्मिलित किया है। तो ड्राई रन में 25-25 लाभार्थियों को हमने आमंत्रित किया है। ड्राई रन की रूपरेखा हम 2 दिन से तैयार कर रहे हैं। पहले दिन हमने कहाँ ड्राई रन होना है उसको चिन्हित किया था और 25 लोग कौन आने इनको आइडेंटिफाइड किया था। इनको हमने कोविड वैक्सीन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया कोविन ऐप, उसके माध्यम से मैसेज भिजवाए हैं। तो आज ड्राई रन हमारा 10 बजे से सुबह 1 बजे दोपहर तक जारी रहेगा और ड्राई रन के माध्यम से टीकाकरण की गुणवत्ताओं को परखा जाएगा। ड्राई रन में हमारा स्वास्थ्यकर्मी यह भी मैसेज दे रहा है कि अगर आपको कोई अप्रिय घटना, जैसे हो सकता है टीका लगने के बाद कोई बुखार आता है या कोई सिरदर्द होता है, तो इसको अन्यथा नहीं लें। इसका मतलब टीका हमारा काम कर रहा है, टीका प्रभावी है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आकर भी संपर्क करें, यह मैसेज भी दिए जा रहे हैं। और टीका लगने के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, हमें हाथ धोते रहना है, मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी अधिकारियों को चुनाव की तैयारियों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र जोधा, जिले के एसडीएम तहसीलदार, जिले भर के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। इन चुनाव में पार्टियां आपके वहीं से डिस्पैच होगी, काउंटिंग भी वहीं होनी है। तो ये आपका 3 जो चीजें हैं आपकी पार्टी का और काउंटिंग, इन तीनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलवर को जाना तो टाइम पे एमसीसी की पालना जो है वो इंपॉर्टेंट है कि झंडा बैनर किसी ने किसी के समर्थक रहेगा सभी जगह। गुलाबपुरा विशेषकर अभी जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस तरह के सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है दोनों ही ग्रुप कोशिश करेंगे कि उनको वायरल करें और पुलिस तक या प्रशासन तक उसको ज्यादा रहेगा सभी जगह। तो वो एक्शन आप मुकदमा ना करें, लेकिन वो एक्शन में डिले नहीं होना चाहिए कि साहब ये तो कैजुअल ना लें कि ऐसे मैसेज तो आते ही रहते हैं, ये रोज ही करता रहता है, जैसे ही आए जिस भी पक्ष का आया तुरंत पाबंद। शहर सहित संपूर्ण जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार शुक्रवार की रात बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी पूरी रात होती रही। आज की सुबह चारों ओर घना कोहरा छाया था, कुछ दूरी पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। हाईवे हो या कॉलोनियां, वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलानी पड़ी। ओस की वजह से फसलों को फायदा हुआ, वहीं शीतलहर और सर्दी का असर अभी भी बरकरार है। गुरुवार रात 8:30 बजे से ही ओस गिरना शुरू हो गई, रात को कड़ाके की सर्दी रही। शुक्रवार सुबह शीतलहर ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी, बादल छाए रहे, आसमान में सूर्य दिखाई नहीं दिया, ठंड से ऊनी वस्त्र भी राहत नहीं दे पा रहे थे। बूंदाबांदी से शहर के कुछ क्षेत्रों में तो सड़कें भी गीली हो गई, लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे नजर आए। चौराहे गली मोहल्लों में लोगों के पास अलाव ही सहारा था। सामान्य दिनों की तरह जल्दी ही खुलने वाले बाजारों में भी आवाजाही कम रही। चाय की दुकान, कचौरी, चाट पकौड़े के ठेलों पर जरूर भीड़ दिखाई दी। शहर सहित भीलवाड़ा जिले में सर्दी का सितम जारी है और दोपहर तक कोहरे के कारण आवाजाही पर प्रभाव पड़ रहा है और वाहन चालकों को भी दिन में हेडलाइट चलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। साथ ही जनजीवन पूरी तरह से यहाँ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। दोपहर तक हम देख सकते हैं कि जो आमजन यहाँ पर अलाव ताप कर सर्दी के सितम से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो विगत 3-4 दिन से जहाँ जिले में पारा की लगातार गिरावट के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो रही है, जिससे पूरे जिले का माहौल सर्दी के सितम से कांप रहा है। और हम यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ के शहरवासी जो ताप रहे, उनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की यहाँ समस्याओं को सामना करना पड़ा। जी, सर्दी का जो माहौल चल रहा है कैसा स्थिति सर्दी की? 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है शहर में, लोग सर्दी के प्रकोप से परेशान हो रहे हैं। और आज देख लो लगभग दिन के 12 बजे हैं, फिर भी कोहरा छाया हुआ है। अभी जितने भी भाई लोग आ जा रहे हैं वो सब गाड़ी की लाइट ऑन करके आ जा रहे हैं। इसी बीच हम सब युवा भाई यहाँ अलाव ताप रहे हैं और जनजीवन व्यस्त है, अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे साथ और भी, सर्दी से क्या समस्याएं आ रही है आपको? सर्दी से चारा काटने में समस्या आ रही है,
और कोहरा है, एक्सीडेंट होते हैं इससे, दिखाई नहीं देता है, और हल्की हल्की बूंदे टाइप बरसात गिर रही है और ठंडी है, ताप रहे हैं। बिल्कुल, तो हमने देखा कि दोपहर तक भी लोग सर्दी के सितम से परेशान हैं और अलाव ताप कर सर्दी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। अजमेर भिलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर लांबिया टोल टैक्स पर कोहरे की आगोश में डूबा रहा। रोड पर ट्रक चालक अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव करते नजर आए। रायलाव तहसील क्षेत्र में दो दिन से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। शुक्रवार सुबह से ही इतना अधिक घना कोहरा था कि ओस की बूंदें भी बारिश की तरह गिरने लगी, जिससे वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चलना पड़ा। कोहरे से मौसम ठंडा होने की वजह से लोग घरों में दुबके हुए रहे। सर्दी के कहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन भी कम नजर आए। सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द रहा। वहीं कई जगह लोग अलाव का सहारा लेते हुए ठंड से बचते हुए जतन करते हुए भी नजर आए। गुरुवार को पूरे दिन भर सूरज की किरणें नजर नहीं आई, साथ ही बाजार में भी मंदी का असर छाया रहा। शुक्रवार को सुबह से ही घने कोहरे से ओस की बूंदे बारिश की तरह गिरने लगी, इससे मौसम सर्द हो गया। भिलवाड़ा के राजकीय विधि महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रवेश हुई अनियमितताओं को लेकर के कॉलेज गेट पर ताला लगा करके प्रदर्शन किया। उन्होंने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर अनियमितताओं को दुरुस्त करवाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक हिंगण ने कहा कि विधि महाविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष के प्रवेश में भारी अनियमितताएं हुई हैं। कॉलेज में पीजी के आधार पर प्रवेश लेने के हकदार छात्रों को प्रवेश से वंचित रखकर अन्य छात्रों को प्रवेश दे दिया गया, जिसके कारण छात्र हितों का हनन हुआ है। इसके विरोध में हमने गेट पर ताला लगा करके प्रदर्शन किया है। भिलवाड़ा में शुक्रवार को 437 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 32 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शुक्रवार को 32 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,362 हो गया है, जबकि 9,200 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 194 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक पर जाने से पहले लोकवाणी उन सभी दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें रायपुर, जहाजपुर और भिलवाड़ा से दीपक सैनी, लक्ष्मी नारायण, महावीर माली, शैलेश योगी, विकास सैनी ने अपनी सेल्फी लेकर हमें भेजी है। सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो या सेल्फी हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बिटिया की शादी है विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंध है सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जैन स्ट्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1,00,000 रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है, हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696।
देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall 20,000 square feet garden well parking facility nearby city a complete solution of marriage complete event room facility economic charges रेस्टोरेंट इंडियन फूड इटालियन फूड लंच स्नैक्स चाइनीज फास्ट फूड ब्रेकफास्ट डिनर पंजाबी फूड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड 19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोन वार और वार्ड वार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता जनप्रतिनिधि एनजीओस नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। वेलकम टू मालू हॉस्पिटल भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipment. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप। इस लोगों के साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ICU विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी,
वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हाईली क्लासिफाइड सर्जन्स, फैसिलिटेटेड फिजियोथेरेपी सेंटर, हाइजेनिक जनरल वार्ड, एयर कंडीशन्ड डिलक्स एंड सुपर डिलक्स रूम। A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शहर में सड़कों पर पसरे अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद के दस्ते ने सख्ती बरतते हुए अतिक्रमण हटा दिया, जिससे बाजार खुले खुले दिखने लगे और सड़कों पर पसरे अतिक्रमण से सड़कें चौड़ी दिखाई देने लगी। ख्याल रहे कि लोकवाणी ने समय समय पर सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में प्रशासन को चेताया था, जिस पर शुक्रवार को नगर परिषद का दस्ता शहर के व्यस्तम आजाद चौक प्रताप टॉकी क्षेत्र में पहुंचा, जहां अतिक्रमित दुकानों में हड़कंप मच गया। दस्ते की सख्ती को देखते हुए दुकानदार खुद ही दुकानों के बाहर किया अतिक्रमण समेटने लगे। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का व्यापारियों ने स्वागत किया। प्रताप टॉकीज के पास कपड़ा व्यवसायी पार्टनर कलेक्शन के संचालक नारायण साहू सरकार ने बताया कि उनकी दुकानें फर्स्ट फ्लोर पर हैं और सड़क पर अतिक्रमण किया होने पर सड़क पर वाहन खड़े होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर परिषद दस्ते के इंचार्ज प्रहलाद ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान अब लगातार जारी रहेगा। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ जाम भी बहुत रहता है और सभी पार्किंग की सुविधा नहीं है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स में अवैध निर्माण है। ये जो एक तरफा कार्रवाई हुई, सभी व्यापारी जन है और सभी को मार्केट खुला खुला लगेगा, एफ साहब के निर्देशानुसार जहाँ पे भी अतिक्रमण है उनको हटाने के आदेश मिले हैं। इसी कार्रवाई करते हुए प्रताप टॉकीज के पास सारे जितने होर्डिंग है, बोर्ड है, जो भी दुकानदारों को पाबंद करके हटवा दिया गया और ऐसी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। आज कहाँ कहाँ से अतिक्रमण रहे? आज केवल ये प्रताप टॉकीज और ये लोहिया मार्केट वगैरह ये आसपास में यहाँ से हटाए, कल भी और दूसरी तरफ की कार्रवाई होगी। क्या क्या हटाया आज आपने यहाँ पे? फ्लेक्स वगैरह है, बोर्ड है, ये एंगल वगैरह है, जो भी पक्का निर्माण करके आगे से सबको हटाएंगे। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला कोराची मंदिर के पास गंगापुर की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने बंदर को टक्कर मारी। टक्कर लगने पर बंदर की मौके पर ही मौत हो गई। बंदर के टक्कर की सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग अधिकारी मौके पर पहुंचे और बंदर को हाईवे से साइड में किया और वन विभाग को सूचना दी। वनपाल चंद्रपाल सिंह राणावत मौके पर पहुंचकर बंदर को गुड़ला नर्सरी में रखवाया। भीलवाड़ा रेंजर भंवरलाल बारेट सहायक वनपाल चंद्रपाल सिंह राणावत ने बंदर का गुड़ला नर्सरी में दाह संस्कार किया। हाईवे पेट्रोलिंग मैनेजर भूपेंद्र सिंह, ड्राइवर संजय खान, प्रकाश सरकरा, मदन की शंकर सिंह, जगदीश दरोगा आदि ग्रामीण मौजूद थे। सवाईपुर कस्बे में शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने एक पेड़ के नीचे एक कौवा मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पर कोटरी वन विभाग से वनपाल लादूलाल शर्मा व सहायक वनपाल यशवर्धन सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और मृत मिले कौवे को अपने कब्जे में लिया।
जिस दौरान सवाईपुर सरपंच महावीर सुवाल का भी मौजूद रहे। गौ के मृत मिलने पर बर्ड फ्लू की आशंका है। बनमाल लादूलाल ने बताया कि पक्षी ग्राम चावंडिया में भी बर्ड फ्लू की आशंका के चलते निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों की सूचना मिली कि एक सवाईपुर गांव में कौवा मृत पाया गया, तो हमने नेक्स्ट जाकर वहाँ देखा तो वास्तव में कौवा मरा हुआ पाया गया। फिर हमने हमारी कस्टडी में लेकर इसकी जांच की जाएगी। मांडलगढ़ तहसील के मानपुरा गांव में हो रही पक्षियों की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। पिछले दो दिन से दो कौवों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक कौवा तड़प तड़प कर एक घर के सामने मर गया। सूचना मिलने पर सरपंच चंदा देवी ने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। इस पर मृत कौवे का सैंपल लिया गया। वहीं ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की आशंका जताई है। भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए भीलवाड़ा जिले में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बनेड़ा की प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्पना शर्मा का चयन किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में सैकड़ों प्रतिभागियों से नवम्बर माह में सरकारी विद्यालयों में जल संरक्षण एवं जल जागरूकता को लेकर किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित कुल 8 प्रतिभागियों में से राजस्थान के भीलवाड़ा की डॉक्टर कल्पना शर्मा का जल संरक्षण, जल जागरूकता, जल संचयन के लिए टांकों का उद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए किए गए प्रयासों के साथ ही सरकारी विद्यालयों में जल संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु चयन किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने विद्यालय में जल संरक्षण संबंधी रैली, पोस्टर, निबंध, क्विज आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ साथ जल एवं सस्टेनेबिलिटी जैसे विषयों पर विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित किया। आशा सहयोगिनियों ने मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों का राज्य सरकार द्वारा निस्तारण नहीं करने पर कार्य का बहिष्कार को लेकर शुक्रवार को सवाईपुर चिकित्सालय में डॉक्टर राजेंद्र कुमार सोमाणी को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 23 दिसंबर 2020 को जयपुर में मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था, जिस पर राज्य सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए 7 जनवरी को धरना स्थल से आशाओं को गिरफ्तार कर धरना समाप्त करवाया। विभिन्न मांगे जैसे धरना स्थल पर गिरफ्तार की गई आशा बहनों पर लगाए गए मुकदमे को हटाया जाए, वे नौकरी से हटाए गए बहनों को पुनः सेवा में बहाल की जाए, ICDSM चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरल जॉब चार्ट एवं कार्य विभाजन तय किया जाए, मानदेय में वृद्धि करते हुए न्यूनतम मानदेय 18,000 किया जाए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त होने वाले इंसेंटिव में व्यापक वृद्धि की जाए, आशा सहयोगिनी को नियमित किया जाए। हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं करने पर हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। जिस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुमन श्रोत्रिय, कोषाध्यक्ष शायर वैष्णव, रेखा पुष्पा श्रोत्रिय, मुन्नी चमार, सुमित्रा सुथार, लाली देवी, सुगना कीर, मनभर जाट, रामगणी सुथार, ज्ञाना शर्मा आदि आशा सहयोगिनी उपस्थित थी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।